हरिः ॐ तच्छञ्जूरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं स्वस्तिद्विषं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवं शवारितविधुं श्रीकोसले सार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः
श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपरांकुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणम् श्रीराधाकान्तस्मरणम् संतपूर्वाचार्यासहायाः। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीता राम। भगवान श्री सीताराम चंद्र जी की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात कथा का आस्वादन करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता राम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, आज के एक दिवसीय सत्र के यजमान दंपति, सपरिवार सपरिकर तथा इस पवित्र कार्यक्रम के आयोजन की भूमिका में अनेक प्रकार से कार्य का निर्वहन करने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तगण, सुदूर तक आस्था भजन चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण करने वाले समस्त श्रद्धालु सुधी श्रोतागण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप, भगवान की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ विगत 8 दिनों से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा मंगलकारिणी है और भगवान भी मंगल भवन अमंगल हारी है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम्। पवित्र के अंदर जो पवित्रता धर्म है वो भी भगवान ही है। मंगलानां च मंगलम्, मंगल के भी मंगल भगवान है। मंगल में जो मंगलकारिणी शक्ति है वो भी भगवान ही है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च, देवताओं के भी जो देवता हैं, ऐसे भगवान श्री हरि, उनकी ये पावन कथा मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ जी की ऐसी कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आलोक में आस्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार चारों वेदों ने ही संयुक्त रूप से प्राचेतस महर्षि के माध्यम से रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया और रामायण काव्य में भगवान का खूब मंगलाशासन किया गया। वाल्मीकि रामायण का उद्भव ही भगवान के मंगलाशासन से हुआ, ऐसा आचार्य लोग स्वीकार करते हैं। पहले दिन की कथा में मैंने निवेदन किया था कि निषाद ने जब क्रौंच पक्षी को मार दिया तो महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आया और उन्होंने उस निषाद को शाप दिया। शाप में उन्होंने कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काममोहितम्। अय निषाद, तुझे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, तू कभी शांति को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तूने क्रौंच का वध किया है, ऐसी निर्मम हत्या की। ये शाप महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को दिया और यही सृष्टि का, इस सृष्टि में यही प्रथम कविता प्रकट हुई जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से शाप निकला। रामायण की रचना बाद में हुई। रामायण को आदि काव्य कहते हैं और वाल्मीकि महर्षि को आदि कवि कहा जाता है। चारों वेदों को छोड़ करके बाकी कोई काव्य, कोई पंक्ति, कोई श्लोक इस पृथ्वी पर नहीं था
किसी कवि की कोई रचना भी नहीं थी। पहली रचना महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुई 32 अक्षरों में अनुष्टुप छंद में, और वह भी निषाद को शाप देने के लिए। उसके पहले केवल चारों वेदों का ही पठन पाठन अध्ययन स्वाध्याय प्रवचन चलता था, और वेद तो अपौरुषेय हैं, वेद कोई काव्य नहीं है, वेद किसी की रचना भी नहीं है। अब ये बात अलग है कि आजकल के इतिहासकार ये लिखते हैं कि ईसा से इतने हजार वर्ष पहले वेद लिखा गया, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर अथर्ववेद आया, ऐसी ऐसी कल्पना करते हैं। लेकिन वे सभी इतिहासकार भ्रांत हैं, उन्हें भ्रम है। वेदों की रचना किसी के द्वारा नहीं हुई। काव्य उसे कहते हैं जो किसी कवि की रचना हो। कवि की वाणी को ही काव्य कहा जाता है, इसीलिए वेदों को काव्य की कोटि में नहीं रखा गया है, क्योंकि वो किसी की वाणी है ही नहीं, वो किसी की रचना है ही नहीं। इसीलिए आज तक दुनिया के इतिहासकारों ने सब कुछ पता लगा लिया, लेकिन किसी इतिहासकार से ये पूछो कि बताओ भाई, अगर वेद लिखा ही गया ईसा से पहले तो किस लेखक ने लिखा, उसका नाम भी जरा बता दो। आज तक वेद के किसी लेखक का नाम आपने सुना? नहीं सुना। कारण, क्योंकि वेद की रचना किसी ने की ही नहीं, स्वयं भगवान ने भी इसकी रचना नहीं की। जब से भगवान है तब से वेद है। जिस प्रकार भगवान सनातन है, उसी प्रकार नित्य शब्द स्वरूप शब्द ब्रह्म वेद भी सनातन और नित्य है। और वेद ही धर्म के मूल हैं। वेदात धर्मो ही निर्बभौ, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। और उन वेदों का ज्ञान भी भगवान सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण में वेद व्यास जी ने अनुभव किया है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में भगवान अपने संकल्प मात्र से चारों वेदों को प्रकट कर देते हैं। तो वेद तो अपौरुषेय अनादि हैं, वेद को काव्य की कोटि में माना नहीं गया। और वेद के बाद जो रचनाएं महर्षियों के द्वारा प्रकट हुई उनको काव्य कहा जाता है। और उन रचनाओं में भी सबसे पहली रचना वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण की रचना के पहले भी काव्य का जो मूल बीज है वो महर्षि वाल्मीकि के मुख से शाप के रूप में निकला। महर्षि वाल्मीकि ने निषाद को शाप दिया, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो शोक था वही शोक ही श्लोक बनकर के आ गया। शोकम श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। और महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया। भरद्वाज जी चिंतन करने लगे, ये कैसी कविता प्रकट हुई मेरे गुरुदेव के मुख से। और फिर वही कविता काव्य का मूल बन गई, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः, यही श्लोक। अब इस विषय में विद्वानों ने चिंतन किया है कि काव्य तो लोक मंगल के लिए होता है, काव्य का प्रयोजन क्या है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य के प्रयोजन का निरूपण करते हुए कहा है कि काव्यम यशसे अर्थ कृते, काव्य का प्रयोजन है यश। कवि यश की प्राप्ति के लिए काव्य की रचना करता है कि हम कुछ लिखेंगे तो हमारा नाम होगा, एक प्रयोजन ये होता है। काव्यम यशसे अर्थ कृते, धन के लिए भी लिखा जाता है। पंडित लोग विद्वान लोग किताबें लिखते हैं तो राजा महाराजा लोग प्रसन्न होकर के उन्हें पुरस्कार देते हैं, धन मिलता है। काव्यम यशसे अर्थ कृते और शिवेतर क्षतये, शिवेतर, शिव माने कल्याण, कल्याण से इतर जो अर्थात अमंगल है, पाप है, उसके विनाश के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। अगर
सात्विक काव्य की रचना की जाए तो उस काव्य के द्वारा पाप का नाश भी होता है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम नाम के काव्य की रचना की और उस काव्य में श्रृंगार रस का इतना वर्णन किया, भगवान शिव और पार्वती की सुरत क्रीड़ा का ऐसा वर्णन किया कि पार्वती जी को कष्ट हो गया और पार्वती जी ने महाकवि कालिदास को साप दे दिया कि विश्वनाथ की सुरत कीड़ा का तुमने ऐसा खुला वर्णन किया है, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया तो संतों के पास जाकर के कालिदास जी ने निवेदन किया कि इसका प्राश्चित्त क्या होगा। तो विद्वानों ने, संतों ने कहा किसी सात्विक काव्य की रचना करो, सात्विक काव्य की रचना करने के कारण तुम्हारे पाप का प्राश्चित्त होगा और ये रोग निवृत्त हो जाएगा। तो महाकवि कालिदास ने भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए रघुवंश महाकाव्य की रचना की और उस काव्य रचना के द्वारा उनके पाप की निवृत्ति हो गई और कुष्ठ रोग ठीक हो गए। तो शिवेतर क्षतये, अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती है। और कांता सम्मितयोपदेश युजे, कांता सम्मित उपदेश के लिए भी काव्य की रचना होती है। जैसे समाज को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए कानून बनते हैं, प्रशासन होता है, कठोरता से उन नियमों का पालन किया जाता है, फिर भी लोग अधर्म से निवृत्त नहीं होते, अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विद्वानों ने अनुभव किया है कि अगर सुंदर काव्य की रचना की जाए और काव्य के माध्यम से प्रेम से उन्हें उपदेश दिया जाए तो ये काव्य का उपदेश यह भी एक ऐसा माध्यम है कि व्यक्ति के विचार को और व्यक्ति के चिंतन को बदल देता है। इसको कांता सम्मित उपदेश कहते हैं। कांता सम्मित उपदेश क्या है? बोले कोई व्यक्ति बहुत उद्दंड हो, बहुत उद्धत हो और लोगों के समझाने पर न माने, बड़े बड़े सब समझा करके थक गए, पिता ने समझाया, भाई ने समझाया, मित्र ने समझाया, किसी के समझाने पर वो नहीं माना, तब बोले तो घर में एक दिन पत्नी ने एकांत में बैठकर प्रेम पूर्वक उसको समझाया तो पत्नी के समझाने पर मान गया। कांता के प्रेम में, कांता की मधुर वाणी को सुनकर के उसने सही बात को मान लिया और अपने दुर्गुणों को त्याग दिया तो इसको कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। तो ये शास्त्र और काव्य भी कांता सम्मित उपदेश है। प्रेम पूर्वक सुंदर कहानियों को सुनाकर, अनेक घटनाओं का वर्णन करके, समस्त प्रकार के रसों का अनुभव कराते हुए व्यक्ति को उपदेश करने की एक विलक्षण विधा है, इसको कहते हैं काव्य। तो काव्य लोक के मंगल के लिए होता है। शिवेतर क्षतये, विद्वानों ने अनुभव किया कि भाई काव्य लोक मंगल के लिए होता है और सृष्टि का प्रथम काव्य आदि काव्य प्रकट हुआ वाल्मीकि महर्षि के मुख से, वो भी किसी का अमंगल करने के लिए, किसी को शाप देने के लिए। ये प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो पहला श्लोक निकला वो शाप ही तो निकला, मानशाद प्रतिष्ठां तुम अगमः, तो क्या शाप के द्वारा किसी का मंगल होगा? तो आचार्यों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है कि महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो निषाद के लिए शाप निकला, लोक दृष्टि में तो वो निषाद के लिए शाप है, लेकिन परमार्थ दृष्टि में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के मुख से भगवान का मंगलाशासन हुआ है। क्योंकि भगवान का मंगलाशासन ही सारे जगत का मंगल करने वाला है, क्योंकि सारा जगत तो भगवान में ही प्रतिष्ठित है। भाई सारी सृष्टि कहां है? भगवान से बाहर थोड़ी सृष्टि है। जब वेदांत की कोटि में जाकर के तत्व का चिंतन करते हैं तो निर्णय यही होता है कि सारी सृष्टि भगवान के अंदर ही है। अंतर बहिश्च तत् सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह भगवान व्यवस्थित है। बोले तो सृष्टि कहां है? बोले उदाहरण ऐसे समझो जैसे नील कमल,
अब नील कमल में दो तत्व है, एक तो कमल है और एक नील है। नील माने नीला रंग। अब विचार करो कि नीला रंग है कहां, कमल में ही तो है, कमल से बाहर नहीं है, कमल में ही वो नीला रंग है। और वो नीला रंग क्या है, बोले कमल का विशेषण है और अपृथक सिद्ध विशेषण है, जो कभी उससे पृथक नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार नील कमल में नीलत्व विशिष्ट कमल, नील कमल में उसका नील जो विशेषण है वो अपृथक सिद्ध है, और जहां जहां कमल है वहां वहां नील है, उसी प्रकार से जीव और प्रकृति, जीव और माया, ये दोनों भगवान के विशेषण हैं, अपृथक सिद्ध विशेषण हैं और भगवान से कभी अलग नहीं होते। और ऐसे विशेषण से विशिष्ट परमात्मा है, इसीलिए उसका नाम विशिष्टाद्वैत है। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, मूल बात विशिष्टाद्वैत की इतनी ही है कि परमात्मा जीव और माया से विशिष्ट है, और जीव और माया रूपी ये विशेषण जो परमात्मा में है ये कभी इससे अलग नहीं होते। तो ये सारी सृष्टि क्या है, बोले जीव और माया का संघात ही तो सृष्टि है, और जीव माया ये दोनों भगवान से अलग नहीं है, तो सारी सृष्टि कहां है, बोले भगवान में। अंतर्वहिश्चतत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, और यही वेद भी कहता है कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वतो वृत्वा, वो अनेक मुख अनेक भुजाओं वाला परमात्मा, सभूमिं सर्वतो वृत्वा, भूमिं का मतलब अनंत अनंत सृष्टि, सर्वतो वृत्वा उसको सब तरह से आवृत करके, अर्थात अंदर भीतर सब जगह व्याप्त हो करके वो परमात्मा व्यवस्थित है। सभूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, उसके बाद भी परमात्मा की सत्ता है, अर्थात ये सारी सृष्टि भगवान के अंदर ही विद्यमान है। तो भगवान का अगर मंगल होगा तो सारी सृष्टि का मंगल होगा, इसलिए भगवान का मंगलाशासन ही सारी सृष्टि के मंगल का मूल है, ये आचार्यों ने चिंतन किया। और सारी सृष्टि का मूल जब भगवान के मंगल में निहित है, तो भगवान का ही हम मंगल मनाते रहें, भगवान का मंगलाशासन करते रहें, सारी सृष्टि का मंगल होगा। और भगवान का मंगल मनाना ये शास्त्र सम्मत विधि है। आज भी ब्राह्मण लोग जब पूजा कराते हैं तो मंत्र में बोल कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, भगवान का हम मंगल मनाते हैं। ये जय बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये भगवान का मंगल है, हम भगवान का मंगल मनाते हैं। सीताराम चंद्र जी आपकी जय हो, यही मंगलाशासन है। भगवान का मंगल मनाना ही सारे सृष्टि का मंगल है। तो महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो सृष्टि का मंगल है, तो महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो पहली कविता प्रकट हुई वो भी भगवान का मंगलाशासन करने के लिए हुई। और ये अर्थ कैसे अनुभव किया है हमारे आचार्य ने, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सबसे बड़े सरस और श्रेष्ठ टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज, जिन्होंने कई बार वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय किया और फिर वाल्मीकि रामायण की टीका लिखी, श्री गोविंद राज स्वामी जी मानिषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान का मंगल मना रहे हैं, और कैसा अर्थ किया, मानिषाद, मानिषाद का अर्थ क्या किया, मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी का एक नाम है मां, इसीलिए भगवान का नाम है माधव, धव माने पति, जो मां के धव हैं अर्थात पति हैं, इसीलिए उनका नाम माधव, धव माने होता है पति, जिसके धव नहीं वो विधवा, ऐसा शब्द बनता है व्याकरण में। तो माधव अर्थात मां के पति, तो मां कौन है, बोले लक्ष्मी, और लक्ष्मी
जिसके हृदय में निवास करती है उनका नाम क्या है? बोले मां निषाद। मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी निषीदत यस्य हृदये, जिसके हृदय में लक्ष्मी निवास करती है ऐसे भगवान का नाम है लक्ष्मी निवास, श्री निवास मां निषाद। निषाद का अर्थ हुआ लक्ष्मी निवास, मां निषाद, ये भगवान का संबोधन हो गया। आगे पंक्ति क्या है? बोले प्रतिष्ठां त्वं अगमः। हे लक्ष्मीपति, हे श्री सीताराम चंद्र जी, प्रतिष्ठां त्वं अगमः, आपकी प्रतिष्ठा दिग्दिगंत व्यापिनी हो जाए, अनंत काल तक आपकी प्रतिष्ठा और आप की यश और कीर्ति का विस्तार हो। ये महर्षि वाल्मीकि मानो भगवान को आशीर्वाद दे। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः। इतना बड़ा आशीर्वाद महर्षि वाल्मीकि भगवान को क्यों दे रहे हैं? तो अगली पंक्ति में कारण का चिंतन करते हैं कि यत् क्रौंच मिथुनाद एकम, क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, आपने क्रौंच के जोड़े में से एक को आपने मार दिया। किसको मारा? बोले क्रौंच का जोड़ा कौन है? बोले मंदोदरी और रावण रूपी क्रौंच। क्रौंच माने जिसकी गति कुटिल हो, कुटिल गति वाला जो है उसी को क्रौंच कहते हैं। और ऐसे कुटिल गति वाले रावण और मंदोदरी के जोड़े में से एक को आपने मार दिया, रावण का आपने वध कर दिया। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, कीदृशः क्रौंचः, वो क्रौंच कैसा था? बोले काम मोहितम, काम से मोहित रावण जैसे दुर्दांत क्रौंच का आपने वध किया है, इसलिए आपकी कीर्ति दिग्दिगंत व्यापिनी हो जाए। ऐसा चिंतन श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में किया है। तो ये काव्य दीर्घ मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान का खूब मंगलाशासन किया गया है और इसी मंगलाशासन सूत्र को प्राप्त करके हमारे रामानुज संप्रदाय के पूर्वाचार्यों ने भगवान का खूब मंगलाशासन किया। हमारे यहां तो आज भी परंपरा है कि जिस मंदिर में भगवान की पूजा के पश्चात भगवान का मंगलाशासन न किया जाता हो, ऐसे मंदिर में भगवान का चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करना भी वैष्णव के लिए निषिद्ध माना गया। हमारे संप्रदाय के आचार्य ऐसे मंदिर में तीर्थ और प्रसाद नहीं लेते हैं जहां पर भगवान का मंगलाशासन न होता। क्यों? बोले वैष्णव का कर्तव्य है कि वो अपने भगवान का मंगलाशासन करे, अपने ठाकुर का मंगल मनाता रहे, यही वैष्णव का धर्म है। और हमारे संप्रदाय में तो एक आचार्य हुए श्री विष्णु चित्त आलवार, जिनकी बेटी गोदाम्बा आंडाल हुई, जिनका महोत्सव इस समय धनुर्मास दक्षिण भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको हम लोग खरमास कहते हैं, इसी को धनुर्मास भी कहा जाता है। और इस धनुर्मास के अवसर पर एक महीने में गोदाम्बा जी ने भगवान का अनुष्ठान किया, भगवान का अनुसंधान किया और उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो श्री गोदाम्बा जी के जो पूज्य पिता विष्णु चित्तालवार हैं, विष्णु चित्तालवार ने भगवान का खूब मंगल मनाया और विष्णु चित्तालवार के मंगलाशासन की परिपाटी को लेकर के ही परवर्ती आचार्यों ने भी भगवान के मंगलाशासन की इस विधि को आगे बढ़ाया और विस्तार दिया है। तो वाल्मीकि रामायण मंगलाशासन ग्रंथ है, इसकी एक ये विशेषता। और दूसरी विशेषता कि वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है, दीर्घ शरणागति ग्रंथ इसको स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनेक प्रसंगों में भगवान की शरणागति के छिपे हुए रहस्यों को प्रकट किया गया। कथा में मैंने निवेदन किया था कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये भगवान की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। लेकिन इन तीनों साधनों से अलग एक साधन है जिसको शरणागति कहते हैं, जो कि अमोघ है। कर्म मार्ग भी भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ है, लेकिन कर्म मार्ग में भी बड़ी समस्या है। क्यों? बोले कर्म के सभी अधिकारी ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वो भी द्विजत्व संस्कार संपन्न जो होगा उसी को कर्म में अधिकार होगा। इसीलिए महर्षि कात्यायन ने अपने कात्यायन सूत्र के सबसे पहले सूत्र में यही कहा है, अथातोधिकारः
जहां कर्मकांड का वर्णन प्रारंभ हुआ है पहला सूत्र यही है कि इसका अधिकार किसको है। तो सभी अधिकारी नहीं है कर्म के, तो कर्म मार्ग से भी सभी जीवों की सदगति नहीं हो सकती। दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग से भी सभी जीवों की सदगति नहीं हो सकती। क्यों? बोले ज्ञान की सिद्धि उसी को होती है जो कर्म मार्ग में निरत रहता है। कर्म मार्ग के द्वारा, कर्म के द्वारा जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तभी ज्ञान हृदय में प्रतिष्ठित होता है। ज्ञान कितना? बोले केवल ज्ञान इतना ही करना है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है, परमात्मा के अतिरिक्त सब कुछ नाशवान है, इतना ही तो समझना है और इतना हम आप सब जानते हैं। लेकिन हृदय में ज्ञान दृढ़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंतःकरण निर्मल नहीं, और अंतःकरण निर्मल होने के लिए कर्म की कठोर निष्ठा होगी तब अंतःकरण निर्मल हो। तो जब कर्म में ही अधिकार नहीं हुआ तो ज्ञान भी उसे प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान मार्ग से भी निश्चित रूप से जीव का कल्याण संभव नहीं। बोले भक्ति, भक्ति में सबका अधिकार है। बोले भक्ति में सबका अधिकार तो है लेकिन भक्ति सब कर नहीं सकते। क्यों? बोले पहली भक्ति क्या है? बोले श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। जो जन्मजात कान से बहरा हो भगवान की भक्ति कैसे करेगा? बताओ कथा कैसे सुनेगा? नहीं सुन सकता, चाह करके भी नहीं सुन सकता। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करे। जो गूंगा हो जन्मजात वो कीर्तन कैसे करेगा, उसकी गति कैसे हो? तो भक्ति भी सब नहीं कर सकते। अधिकार तो सबको दे दिया भक्ति का लेकिन भक्ति भी सब नहीं कर सकते। और भक्ति है क्या? बोले भक्ति का मतलब निरंतर भगवान का स्मरण, भजन कीर्तन कथा श्रवण पूजन, इन सारे माध्यमों के द्वारा निरंतर परमात्मा का स्मरण ही भक्ति है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, अनुभव करते रहना, यह भक्ति है। और ये भी भक्ति कभी कभी छूट जाती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद्भागवत महापुराण में नारद जी कहते हैं कि न तथा भक्ति योगे न, प्रहलाद के प्रसंग में, कि भक्ति योग में भी व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। और उसमें भी प्रतिबंध इतना कठिन है कि इतना भगवान का स्मरण करो कि मरते समय भगवान ही याद आवे, दूसरा कोई याद ना आवे, तब भक्ति सफल होगी। और अगर नहीं हुआ तो भरत जी का उदाहरण देखो, श्रीमद्भागवत महापुराण में भरत जी ने निरंतर भगवान का स्मरण किया लेकिन मरते समय हिरण का स्मरण किया तो हिरण बन गए, मुक्ति नहीं मिली, पशु योनि में जाना पड़ा। क्यों? बोले भक्ति में अंतिम स्मृति अनिवार्य होती है। और अंतिम स्मृति कितनी कठिन है, संसार इतना विलक्षण है कि अगर जीव भगवान का स्मरण भी करना चाहे तो संसार के प्राणी उसे भगवान का स्मरण करने नहीं देते। कोई व्यक्ति जब बीमार होता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब ये मर जाएगा, तो घर वाले क्या करते? बोले सब रिश्तेदार को बुला लिया, आ जाओ बाबूजी अब जाने वाले, सब ने आकर के उस प्राणी को घेर लिया। कोई कहता अरे ये दीदी आई हैं, कोई कहता दामाद जी आए हैं, कोई कहता फलाने आए हैं, सब उसको संसार की याद दिलाते। वो अगर भगवान को याद भी करना चाहे तो उसे भगवान का स्मरण न करा करके अपना स्मरण करा, और उसके मृत्यु को, उसके मरण को भी बिगाड़ देते, कर कुछ नहीं पाते लेकिन उसके मरण को बिगाड़ देते अपनी याद दिला करके। वो भगवान का स्मरण भी करना चाहे तो नहीं कर पाए, और जब मर जाता है तब लोग बाद में कहते हैं राम नाम। श्री कुलशेखर आलवार मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं कि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, जब प्राण निकलता है तो वात पित्त कफ ये तीनों दूषित हो जाते हैं। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ आकर के अटक जाता है गले में और आवाज घरघराने लगती है, ऐसी स्थिति में वो जीव भगवान का कैसे स्मरण कर पाए? कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, हे प्रभु आपका स्मरण कैसे हो पाएगा, इतना कठिन बात। और भगवान भी कहते हैं कि यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत, मरण काल में वात पित्त कफ इत्यादि के दोष के कारण भक्त भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। अब बताओ भक्ति भी कितनी कठिन है, सोचो।
जब तक अंतिम स्मृति नहीं होगी तब तक भक्ति भी सफल नहीं मानी, बेकार तो नहीं जाएगी। क्यों? बोले आपने भक्ति की है, लेकिन उसी जन्म में आप मुक्त हो जाओ माया से, मुक्ति